दोस्तों हाजिर हूं मैं आप लोगों के लिए एक और जबरदस्त न्यू बिजनेस आइडिया लेकर, जिसे आप लो इन्वेस्टमेंट में शुरू करके हाई प्रॉफिट कमा सकते हो। और ये जो बिजनेस आइडिया वो फूड से रिलेटेड है। इसकी सबसे अच्छी बात क्या है, आपको कुक या फिर शेफ हायर करने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा आपको कुछ भी बनाना नहीं पड़ेगा, आप जबरदस्त पैसे भी कमा पाओगे। तो क्या है वो बिजनेस आइडिया, आप उसे कैसे शुरू कर सकते हैं, जानेंगे आज के वीडियो के अंदर। उससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं आप लोगों के लिए कोई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेकर आऊं तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आप देख रहे हैं कमाओ और कमाने दो यूट्यूब चैनल। देखिए दोस्तों, अक्सर मुझे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि सर आप किसी ऐसे फूड बिजनेस के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाइए जिसे आसानी से शुरू किया जा सके और ज्यादा पैसे लगाने की जरूरत ना हो और साथ ही साथ में अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन भी मिल जाए। तो दोस्तों अगर आप भी ऐसे बिजनेस की तलाश में है तो आज का वीडियो आपके लिए। देखिए दोस्तों, ये बात हम सब अच्छे से जानते हैं कि फूड बिजनेस ही एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कभी भी मंदी नहीं आती है, और कुछ फूड तो ऐसे होते हैं जिनकी डिमांड पैन इंडिया में होती है। और फिलहाल एक फूड आइटम ऐसा है जो वैसे तो नॉर्थ ईस्ट की डिश है, लेकिन पूरे इंडिया में फेवरेट फूड की लिस्ट में वो नंबर वन पर आते हैं, जिसे लगभग हर यंगस्टर खाना पसंद करता है। जो एक बार नॉर्थ में जाकर इसे खा लेता है वो अपने गांव या फिर शहर में उसी फूड को ढूंढते रहता है, जिसकी वजह से उसका एस्टिमेटेड मार्केट साइज $2.7 बिलियन का है और बहुत ही तेजी से ये ग्रो करते जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम ऑनलाइन ऑर्डर्स की बात करें तो अब तक जोमेटो पे 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इसे ऑर्डर किया हुआ है, और आने वाले टाइम में इसकी डिमांड और भी ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि दोस्तों ये जो फूड आइटम है वो बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबको पसंद आता है। पर दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं, इतना पॉपुलर होने के बाद भी ये जो फूड आइटम है मार्केट में बाकी दूसरे फूड आइटम जैसे कि पानीपुरी, चाट, वड़ा पाव, समोसा वगैरह वगैरह इनकी तरह इजीली अवेलेबल नहीं होता। और दोस्तों अगर कहीं पे अवेलेबल होता भी है तो बहुत महंगा मिलता है, क्योंकि इसे बनाने के लिए किसी अच्छे कुक या फिर शेफ को हायर करना पड़ता है, जिसके लिए हर महीने कम से कम 40,000 से 50,000 रुपए की सैलरी देनी पड़ती है। तो दोस्तों उस फूड आइटम का नाम है मोमोज, जो कोई अच्छा कुक या शेफ ही बना पाता है। और मान लीजिए आपने किसी अच्छे कुक या शेफ को हायर भी कर लिया, उसके बाद में भी कोई गारंटी नहीं है कि वो आपके पास ही काम करेगा। अगर वो छोड़कर जाता है तो उसका सीधा इंपैक्ट फूड के टेस्ट के ऊपर पड़ता है, जिसका असर आपके कस्टमर बेस पे भी पड़ेगा ही पड़ेगा। सो दोस्तों इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए राउडी मोमो लेकर आया है एक ऐसा मोमो फ्रेंचाइजी बिजनेस, जिसे शुरू करके आप एक प्रॉफिटेबल फूड बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सो चलिए दोस्तों सबसे पहले कंपनी के बारे में थोड़ा शॉर्ट में जान लेते हैं। दोस्तों रावड़ी मोमो नवी मुंबई बेस्ड कंपनी है, जिसकी शुरुआत 2019 में हुई थी, जिसने एक ऐसा फ्रेंचाइजी प्लान बनाया है जिससे लोगों को कम इन्वेस्टमेंट में अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी को आपको एक भी रुपया एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं होगी, और फिलहाल पैन इंडिया में कंपनी अपनी फ्रेंचाइजी प्रोवाइड कर रही है। सो अगर आप इनकी फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों हो सकता है आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे, मार्केट में तो बहुत सारे मोमो ब्रांड्स हैं जो फ्रेंचाइजी देते हैं, फिर हमको रावड़ी मोमो की फ्रेंचाइजी क्यों लेनी चाहिए। तो दोस्तों इसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस हैं, चलिए उनके बारे में आपको बता देता हूं। देखिए सबसे पहला रीजन है नो फ्रेंचाइजी फीस। अगर आप किसी भी फूड कंपनी की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपको कम से कम 2 लाख से 3 लाख रुपए फ्रेंचाइजी फीस के तौर पे पे करना होता है, लेकिन रावड़ी मोमो को आपको किसी भी प्रकार की कोई फ्रेंचाइजी फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा रीजन है नो रॉयल्टी फीस। जहां बाकी की कंपनीज को आपको अपने इनकम का 5 से 10% एज ए रॉयल्टी पे करना पड़ता है, वहीं राउडी मोमो को आपको किसी प्रकार की रॉयल्टी फीस पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा रीजन नो सैलरी फॉर शेफ और कुक। देखिए दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप किसी भी अच्छे शेफ या फिर कुक को हायर करते हैं तो आपको कम से कम उन्हें 40,000 से 50,000 रुपए तक सैलरी देनी पड़ती है। पर दोस्तों रावड़ी मोमो आपको प्री कुक्ड फूड प्रोवाइड करेगा, जिसे आपको सिर्फ गर्म करके सर्व करना होगा, और इसके लिए आपको शेफ की जरूरत नहीं होगी, कोई भी आदमी इस काम को आसानी से कर सकता है। चौथा रीजन जीरो फूड वेस्टेज। देखिए दोस्तों आपके यहाँ पे जो डिशेस होंगी वो प्री कुक्ड होंगी, तो आपका फूड जो होगा वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा, और आपके यहाँ पे हाइजीन भी मेंटेन रहेगा। पांचवा रीजन लो इन्वेस्टमेंट। अगर आप कोई भी फूड बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको कम से कम 8 से 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ता है, लेकिन रावड़ी मोमो से जुड़कर आप सिर्फ 3 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ अपना खुद का फूड बिजनेस शुरू कर सकते हैं। छठा रीजन 70+ फूड्स। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इनकी फ्रेंचाइजी लेकर आप सिर्फ मोमोज ही सेल कर पाएंगे तो मैं आपको बता दूं आप गलत हैं, क्योंकि कंपनी आपको इसके अलावा 70 से भी ज्यादा रेडी टू कुक डिशेस प्रोवाइड करती है, जिसे ओवन में गर्म करके या फिर स्टीम करके या फिर फ्राई करके आप लोगों को सर्व कर सकते हैं। और दोस्तों उन सभी फूड आइटम्स की लिस्ट आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। दोस्तों आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इनका मेन्यू देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए क्लासिकल मोमोज में इनके पास मल्टीपल वेराइटीज है। जैसे कि सिर्फ स्टीम मोमो की बात करें तो उसमें आपको वेज मोमो मिल जाएगा, वेज चीज मोमो मिल
मिल जाएगा, वेज पेरी पेरी मिल जाएगा, पनीर के ऑप्शंस भी अवेलेबल है, पिज्जा मोमो भी अवेलेबल है, चिकन मोमो भी अवेलेबल है और चिकन में और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। तो ये तो खाली स्टीम मोमो हो गया। प्राइसिंग भी आप देख सकते हैं कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसिंग है। इसके अलावा अगर मैं फ्राइड मोमो की बात करूं तो इसमें भी आपको मल्टीपल वैरायटीज मिल जाएगी, जैसे कि वेज मोमो मिल जाएगा, वेज चीज मोमो मिल जाएगा, पिज्जा मोमो भी मिल जाएगा। इसके अलावा चिकन की भी बहुत सारी वैरायटीज दी गई है। प्राइस कितना है वो भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। साथ ही साथ में यहाँ पे स्पेशलिटी मोमोज भी हैं जिसमें तंदूरी मोमो होता है, तो वेज तंदूरी मोमो मिल जाएगा, वेज चीज तंदूरी मोमो मिल जाएगा, वेज हरियाली मोमो मिल जाएगा और भी मल्टीपल ऑप्शंस आप देख सकते हैं जिनकी प्राइसिंग भी यहाँ पे दी गई है। और ये जितनी भी प्राइसिंग है सारी की सारी ऐसी है कि बहुत ही अफोर्डेबल है, कोई भी इंसान इतना अमाउंट इजिली पे कर सकता है। साथ ही साथ दोस्तों आपको ग्रेवी मोमो के ऑप्शंस भी मिल जाते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीपल वैरायटीज दी गई है, तो कस्टमर को जो भी पसंद आता है वो इनमें से चूज कर सकता है। इसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे बर्गर सेल करने का ऑप्शन मिल जाता है। बर्गर में भी आपको मल्टीपल वैरायटी मिल जाएगी, वेज बर्गर, वेज तंदूरी बर्गर, वेज पेरी पेरी बर्गर, चिकन बर्गर, चिकन पेरी पेरी बर्गर, चिकन तंदूरी बर्गर। इसके अलावा यहाँ पे आप वेफल सेल कर सकते हैं। सिंगल वेफल का जो प्राइस है वो 59 रुपीज है, सैंडविच का है 99 रुपीज, बहुत ही अफोर्डेबल है। इसके अलावा वेफल में भी मल्टीपल वैरायटीज आपको मिल जाती है। उसके बाद में दोस्तों आप अपने आउटलेट के ऊपर चिकन बाइट्स बेच पाएंगे जिसमें चिकन तंदूरी नगेट्स हैं, चिकन पॉपकॉर्न है, चिकन फिंगर्स है, चिकन विंग्स है और साथ ही साथ में पिज्जा का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। पिज्जा में मल्टीपल वैरायटीज अवेलेबल है और उसके बाद में आपको ड्रिंक्स के ऑप्शन भी मिल जाते हैं। ड्रिंक्स में भी आप देख सकते हैं बहुत ही अलग अलग वैरायटी की ड्रिंक्स है, जैसे कि मोइतो है, ब्लू लगून है, जिंजर लेमन मॉकटेल है, ऑरेंज मॉकटेल है, कोल्ड कॉफी है, ओरियो शेक है, किटकैट शेक है, मैंगो थिक शेक है, तो इतनी वैरायटीज आपको मिल जाती है। तो ये सारे प्रोडक्ट आप अपने आउटलेट पे सेल कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं रिक्वायरमेंट के बारे में। अगर आप इनकी फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला मशीन एंड इक्विपमेंट। देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, कंपनी दो मॉडल में फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करती है, सबसे पहला है डाइन इन और दूसरा है टेक अवे मॉडल। तो इन दोनों में आपको अलग अलग इक्विपमेंट की जरूरत पड़ने वाली है। जैसे अगर आप डाइन इन मॉडल लेते हैं तो आपको सिटिंग अरेंजमेंट करना पड़ेगा और टेक अवे में आपको सिटिंग अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। और ज्यादा क्लियरिटी के लिए जब मैं इन्वेस्टमेंट पार्ट एक्सप्लेन करूंगा तो आपको एक एक इक्विपमेंट की लिस्ट के बारे में भी बता दूंगा। उसके बाद में दोस्तों आपको जरूरत पड़ेगी स्पेस की। अब दोस्तों स्पेस भी आपको दोनों मॉडल के अकॉर्डिंग लेना होगा। जैसे अगर आप टेक अवे मॉडल की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपके पास कम से कम 150 से 200 स्क्वायर फुट की जगह होनी चाहिए, और अगर आप डाइन इन मॉडल की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो कम से कम आपके पास 250 से लेकर 300 स्क्वायर फुट की जगह होनी चाहिए। फिर दोस्तों आपको जरूरत पड़ेगी एम्प्लॉयज की। अगर हम एम्प्लॉयज की बात करें तो आपको एक या दो एम्प्लॉय रखने होंगे जो लोगों से ऑर्डर लेंगे और सर्व करेंगे, बाकी कुक या फिर शेफ हायर करने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही अगर आप टेक अवे मॉडल की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आप अकेले भी अपने बिजनेस को रन कर पाएंगे। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट की। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, दोनों मॉडल्स में ही आपको इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट होगा वो अलग होने वाला है। अब किस मॉडल में कितना होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं टेक अवे मॉडल की। तो दोस्तों आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं फ्रेंचाइजी फीस के तौर पे आपको 0 रुपीज पे करना होगा, मतलब कंपनी आपसे कोई भी फ्रेंचाइजी फीस नहीं लेने वाली। और इस पर्टिकुलर मॉडल में आपको स्टीमर, हीटर, डीप फ्रायर और भी बहुत सारी चीजें मिल जाती है जो कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। और अगर मैं टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो आपका जाने वाला है 265,000 रुपया और इसमें से भी 50,000 रुपया आपका रिफंडेबल डिपॉजिट होगा। सो दोस्तों टेक अवे मॉडल के लिए आपको 265,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी। अब अगर बात करें डाइन इन मॉडल की तो इसके अंदर भी आपको कोई भी फ्रेंचाइजी फीस पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें क्या चीजें मिलती है वो भी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं और टोटल जो इन्वेस्टमेंट आपका जाएगा वो जाएगा 323,000 रुपए का और इसमें से भी जो रिफंडेबल डिपॉजिट है वो है 50,000 रुपए का। इसके अलावा कंपनी कुछ ऑप्शनल चीजें भी प्रोवाइड करती है, अगर आप चाहें तो उनको खरीद सकते हैं जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। जैसे अगर आप अपने आउटलेट पे एयर कंडीशनर लगाना चाहते हैं तो एक के लिए आपको 30,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करना होगा। ग्लास डोर लगाना चाहते हैं तो आपको 30,000 एक्स्ट्रा पे करना होगा। म्यूजिक सिस्टम लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 10,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करना होगा। और ये तीनों चीजें ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो अपने स्टोर में लगा सकते हैं, अगर आप नहीं चाहें तो कंपलसरी नहीं है। आपको डाइन इन मॉडल के लिए इन्वेस्टमेंट करना होगा 323,000 रुपया। यानी कि दोस्तों फूड कंपनीज फ्रेंचाइजी ओनर से जितनी फ्रेंचाइजी फीस या रॉयल्टी लेती है उतने में तो आप अपना खुद का फूड बिजनेस शुरू कर लेंगे। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं कि जो भी आपका प्रॉफिट होगा उसमें से आपको कंपनी को कुछ भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इतना इन्वेस्ट करने के बाद में आपको प्रॉफिट कितना होगा या फिर आप एक महीने में कितने पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों कंपनी आपको हर प्रोडक्ट के ऊपर 45 से 55% तक का प्रॉफिट मार्जिन देती है। साथ ही इनके स्टोर के एवरेज सेल की बात करें तो पर डे का 15
15,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक का सेल आसानी से हो जाता है। लेकिन मान लीजिए आप दिन में 10 से 15,000 रुपए की बिक्री भी करते हैं तो आप महीने के एंड में 1 से 1.25 लाख रुपए तक का प्रॉफिट आसानी से जनरेट कर पाएंगे। सो दोस्तों इतने सस्ते में अगर कोई कंपनी फ्रेंचाइजी प्रोवाइड कर रही है वो भी 70+ फूड ऑप्शंस के साथ, तो ये आपके लिए बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिटेबल बिजनेस साबित हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी के बारे में अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों के लिए कंपनी की वेबसाइट का लिंक और साथ ही साथ में कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है, तो वहां से कॉन्टैक्ट डिटेल लेकर आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपके मन में जो भी डाउट होंगे उनको क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चाहें तो फ्रेंचाइजी लेने से पहले इनकी फैक्ट्री में भी विजिट कर सकते हैं, ओनर से मिल सकते हैं, प्रोडक्ट को टेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद में जब आपको तसल्ली हो जाए आप इनकी फ्रेंचाइजी लेकर अपना खुद का फूड बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दोस्तों एक बार फिर से आपको बता देना चाहूंगा, कंपनी आपसे किसी भी प्रकार की कोई रॉयल्टी फीस या फिर फ्रेंचाइजी फीस नहीं लेती है, आपको सिर्फ कंपनी को प्रोडक्ट के पैसे देने होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए आप इनकी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं या फिर स्क्रीन के ऊपर आपको जो नंबर दिखाई दे रहा है इस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये नंबर्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, वहां से भी लेके आप इनको कॉन्टैक्ट कर पाएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इसके अलावा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मुझे चाहें तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर नए कमाने के तरीकों के साथ।